पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। देश की राजधानी नई दिल्ली को आज एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी 43 साल की सबसे कम उम्र की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वह पहले महिला थी जिन्होंने दिल्ली की सत्ता की कमान संभाली थी। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 52 दिन का रहा। उनके बाद 15 साल तक स्वर्गीय शीला दीक्षित के हाथों दिल्ली की सत्ता रही और अब आतिशी को ये जिम्मेदारी मिली है। आतिशी 5 महीने के लिए सीएम पद पर रहेंगी। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव क्यों रखा। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज केंद्र सरकार की एजेंसीज एक किंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली,
जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आतिशी ने इस बात को साबित कर दिया है कि आखिर वो क्यों डिजर्विंग है। सीएम केजरीवाल के इस्तीफों को लेकर आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा, और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है, और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली की लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उसी के लिए आज हमने अजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र। आम आदमी पार्टी से गोपाल राय, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की भी चर्चा थी। लेकिन अगर केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाते तो आम आदमी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता। हालांकि आतिशी के आगे ये सभी फिट नहीं बैठ पाते। आतिशी का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आज वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं, इसके अलावा आतिशी के दिल्ली के सीएम बनते ही उनका विरोध क्यों हो रहा है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, इसलिए अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आतिशी को सीएम बनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल का यह दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके जरिए उन्होंने दिल्ली की 50 लाख वाली आबादी यानी महिलाओं को साधने का काम किया है, और इसी साल मार्च के बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को सम्मान योजना के तौर पर 1000 रुपए देने की घोषणा की थी, जो अब परवान चढ़ने के आसार हैं, वह भी विधानसभा चुनाव से बिल्कुल पहले। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर महिला चेहरे को आगे बढ़ाया।
अतिशी अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे ताकतवर मंत्री रही हैं। अतिशी को अरविंद केजरीवाल का करीबी, सहयोगी और भरोसेमंद माना जाता है। वह अन्ना आंदोलन के समय से ही संगठन में सक्रिय रही हैं। मौजूदा समय अतिशी के पास सबसे अधिक मंत्रालय हैं। उनके पास पीडब्ल्यूडी से लेकर रेवेन्यू जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। मुख्यमंत्री रेस में उनका नाम सबसे आगे भी चल रहा था। अतिशी पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनका जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में उन्होंने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2001 में चवेंगिंग स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया है। अतिशी के पिता विजय सिंह और उनकी माँ का नाम तृप्ता है। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और पंजाबी बैकग्राउंड के राजपूत समुदाय से आते हैं। 43 साल की अतिशी ने सोशल वर्कर प्रवीण सिंह से शादी की है। वह भी राजपूत हैं। दोनों शादी के पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अतिशी ने साल 2020 के चुनाव में दिए अपने एफिडेविट में अपने पति को सोशल वर्कर बताया था, लेकिन वो हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो एक रिसर्चर और एजुकेटर हैं। अतिशी के पति प्रवीण सिंह ने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने IIM अहमदाबाद से भी पढ़ाई की है। अतिशी के राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में सबसे पहली बार कदम रखा था। वो 2015 से 2018 तक दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने जो काम किए उसमें अतिशी ने उन्हें काफी सहयोग किया, लेकिन अप्रैल 2018 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। तेज तर्रार अतिशी पॉलिटिकल नेता रह चुकी हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी PAC की मेंबर भी रह चुकी हैं। अतिशी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें गौतम गंभीर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा से चुनाव जीता। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों से मात दी थी। साल 2023 में पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री का पदभार अतिशी ने संभाला। अब साल 2024 में वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। अब आपने उनके निजी जीवन के बारे में जाना और वह किस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं ये जाना। ऐसे में अतिशी के सरनेम को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अतिशी के पेरेंट्स ने उनके नाम के साथ कोई सरनेम नहीं लगाया, बल्कि पूरा नाम अतिशी मलेना रखा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आज ही पता लगा होगा कि अतिशी के नाम के आगे मलेरना लगता है। सरनेम की जगह वे अपने नाम के लिए मलेरना इसलिए लगाती हैं क्योंकि अतिशी के पिता विजय सिंह लेफ्ट विचारधारा को पसंद करते थे और मार्क्स और लेनिन से प्रभावित थे। इसलिए दोनों को मिलाकर अपनी बेटी के नाम के आखिर में उन्होंने सरनेम की जगह मलेरना लगाया। हालांकि अब अतिशी अपने नाम के साथ कोई सरनेम या टाइटल आदि नहीं लगाती हैं। उन्होंने मलेरना लिखना भी छोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अतिशी मैदान में उतरी थी तो विपक्षों ने उनके नाम को मुद्दा बनाते हुए उन्हें ईसाई करार दे दिया था, जबकि वो एक पंजाबी राजपूत हैं। मलेरना सरनेम से ऐसा भ्रम भी हुआ और सोशल मीडिया पर भी खूब फेक न्यूज़ फैलने लगी थी। इसके बाद अतिशी ने अपने नाम के आखिर में मलेरना हटाने का फैसला कर लिया। अब वह अपना नाम सिर्फ अतिशी लिखती हैं और बताती भी हैं, लेकिन उनके CM बनने की खबर से एक बार फिर उनका सरनेम चर्चाओं में आ गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली CM के तौर पर अतिशी का नाम फाइनल होने के बाद उनके माता पिता भी सुर्खियों में हैं। अतिशी के परिवार पर आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने की चर्चाएं तेज हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी को इसे लेकर घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि नक्सली मानसिकता की बागडोर दिल्ली पर थोपने का पाप कर रहे हैं केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता रही स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अतिशी के माता पिता ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की पैरवी की। अतिशी के पिता विजय सिंह और मां तृप्ता ने अफजल गुरु की दया याचिका पर सिग्नेचर किए। उनकी मां का एक बयान भी वायरल हो रहा है, आप ही सुनिए। वन मोर हैज बीन सेव्ड फ्रॉम बीइंग हैंग्ड, सो टू दैट एक्सटेंट वी आर हैप्पी, बट वी आर अनहैप्पी दैट अफजल हैज बीन मेड In our political understanding, the scapegoat. सोशल मीडिया पर इसे लेकर बेहद बहस छिड़ी हुई है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि आज दिल्ली के लिए बेहद दुखद दिन है।
स्वाति के आरोप पर आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर जरा सी भी स्वाति मालीवाल में शर्म बची है और नैतिकता बची है तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे। हालांकि इतना सुनने के बाद अब स्वाति मालीवाल इस्तीफा देंगी या नहीं, ये तो उनका निर्णय है। आप ये सुनिए कि अतीशे के मुख्यमंत्री बनने पर भड़की स्वाति मालीवाल ने क्या कहा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी से एक महिला युवा चेहरा लोगों के लिए विश्वास पात्र है, लेकिन केजरीवाल के मुकाबले भाजपा का कोई चेहरा साफ नहीं। और अब जब नई मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला का चेहरा सामने आया, तो भाजपा का अपनी रणनीति में बदलाव करना लाजमी है। प्रदेश कार्यालय बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक तौर पर बदलाव करेगी, लेकिन हर मंच से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोरों से उठाने का काम किया जाएगा। हालांकि इस सबका मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनावों में ही पता चलेगा। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।